बहुत बहुत बधाइयाँ। आज मैंने सोचा कि आज कुछ अलग हो जाया जाए, और जो मैं बोल रहा हूँ बड़े ध्यान से सुने। आपके पास कुछ इनाम जीतने का सुनहरा अवसर है आज फादर्स डे में। मैं आपको एक प्रश्न दूंगा, क्विज दूंगा, वो चित्र पहेली है। वो चित्र आप देखेंगे और आपको बताना होगा कि कौन सा वो पात्र है जो चित्र में दिखाया गया है। बड़े ध्यान से देखिए, और अगर आपको आता है तो जोर से बोले नहीं, अपना हाथ उठाए, ठीक है। मैं यहाँ से आपको देख रहा हूँ, और जो पहले हाथ उठाएगा, दूसरा उठाएगा, उसको पुरस्कार इनाम मिलेगा, ठीक है। तो आपकी तरफ वो तस्वीर आएगी, क्षमा चाहूँगा, मेरे पास कंप्यूटर चलाने वाले लोग नहीं, मेरा भाई आ नहीं पा रहा है, नहीं तो कंप्यूटर में दिखाता तो और आपको मज़ा आता, आप एंजॉय करते। मैं अलिखा से रिक्वेस्ट करूँगा आ जाए, और बहन से आप आ जाए, सामने आ जाए। बड़े ध्यान से देखिएगा, और आपका आपको उत्तर आता है तो आप बिल्कुल चुपचाप रहिएगा, है ना, हाथ उठा दीजिएगा बस। आप ये साइड में जाइए और आप ये साइड में। ये कौन सा लड़का था जिसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया? फादर्स डे है, बाइबल बताती है हमें अपने माता पिता का आदर करना है। देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, स्पष्ट है, अगर आपको आता है तो जोर से ना बोले, हाथ उठा ले। आगे जाइए, ज्यादा समय नहीं दीजिए, जल्दी जल्दी, एक मिनट वो देखते हैं, हाथ उठा दियो। जिसको मालूम है, आंटी ने पहला हाथ उठाया, सिस्टर ने उठाया, बिना देखे देखिए, यहाँ पीछे में भाई बहनों, हमको बाइबल का नॉलेज भी होना चाहिए, है ना। कौन कौन से पात्र है बाइबल में, क्या किसके बारे में लिखा हुआ, किसने क्या किया, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि हम वो दुर्घटना से, उस दंड से बच जाए हमारे जीवनों में। ये भाई ने भी हाथ उठाया, और कोई पीछे में किसी को मालूम है? पुराने नियम कोई नहीं पढ़ते। तो सिस्टर शांति खड़े हो जाए, सिस्टर आभा खड़े हो जाए, और वो भाई खड़े हो जाए, सब ताली बजाए। कौन है वो? आंटी बता सकती है, सिस्टर आप बता सकती है, आइए बताइए। माइक माइक। हाँ, दाऊद का पुत्र अब्सलोम। उसने क्या किया था? उसने क्या किया था? अपने पिता के विरुद्ध में विद्रोह किया। शाबाश, आप तीनों को इनाम मिलेगा। मैं संजय से रिक्वेस्ट करूंगा कि आके ये इनाम ले जाए। जवान भाई का सचमुच धन्यवाद, आ जाए भाई, जल्दी आ जाए सामने। ये चित्र है, उसको आप चिपका सकते हैं ग्लास में या दीवार में, बड़ा अच्छा सुंदर है। आ जाइए सिस्टर शांति, सिस्टर और ब्रदर। ठीक है, हमारे पास है सबके लिए स्टिकर है, इसको आप चिपका सकते हैं अपने घर में। नहीं नहीं, देख नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो दूसरा सैमुएल उसका 18 अध्याय। यहाँ अब्सलोम नाम का यह व्यक्ति लड़का था, अपने पिता दाऊद राजा के विरोध में विद्रोह किया। वो बोला मैं राजा बनूंगा, और उसने विद्रोह कर दिया। वो जब जा रहा था जंगल में से होके जा रहा था, बांज का वृक्ष था, और उसमें उसकी गर्दन फंस गई, और नीचे खच्चर जो गाड़ी थी वो आगे निकल गई, फिर उसको थाला मार के वो मार दिया गया। दाऊद राजा ने विलाप किया। मेरे प्रियो, आज हमें बाइबल आज्ञा देती है, हमें ओ हालेलुया आज्ञा मारना है, विद्रोह नहीं करना है। तो सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज हम जैसा भजन संहिता में हमने पढ़ा, भजन संहिता 103 उसका 13 वचन में, कि हमारा परमेश्वर वो हम पर दया करता है, जिस प्रकार से इस दुनिया का
पिता अपने बच्चों पर दया करता है वो दयालु पिता है, वो दया का सागर है। बाइबल बताती है वो अनंत काल का पिता है। यशया 9 उसके 6वें वचन में यदि हम बाइबल में पढ़ेंगे वहां लिखा हुआ है अनंत काल का पिता, एवर लास्टिंग फादर। मेरे प्रियो, इस संसार में रहते हुए हमारे हो सकता संसारिक पिता हमसे दूर हो जाए, गुजर जाए, दुनिया से चले चल बसे, परंतु एक अनंत काल का पिता है जो अनादि काल से अनंत काल तक हमेशा जीवित है। उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब मैं अपनी स्कूल में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहा था, मैं और मेरा भाई दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस में पढ़ते थे, और जब स्कूल में जाने का समय होता 7 बजे और 12 बजे जब खत्म होने का समय होता, तो वहाँ हमारे क्लासमेट था, उसका पापा एक बड़े एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे और उसके पापा उसके लिए कार भेजते थे, एक नौकर आता था उसके लिए, जैसे ही स्कूल गेट से बाहर निकला उसको उसका बैग पकड़ने के लिए, उसको कार में बैठाने के लिए, और उसका ड्राइवर कार में उसको ले जाता था। और मेरी मम्मी हमको लूना में बैठा के ले जाती थी। हम लोग बड़े व्याकुलता से देखते थे, अरे बाप रे कितना बड़ा उसका पिताजी है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वो, और उसके पास कार नौकर ले जाने के लिए भी लाने के लिए भी। परंतु एक दिन की बात है, वो कई बार आया नहीं और पता चला 2-3 हफ्ते नहीं आया, और अचानक से उसके बाद आया तो उसका गाड़ी कार बंद और वो बड़ा रो रहा है, वो स्कूल में बैठा हुआ विलाप कर रहा है। तो पता चला क्या हो गया, पूछा, बोला उसके पापा हार्ट अटैक हो गया। फिर दे और उसका पिताजी का रुक गया और वो मृत्यु मर गए वो। मेरे प्रियो, परंतु बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर पिता अनंत काल का पिता है। संसार के पिता आपको छोड़ सकते हैं, हो सकता है आपकी परवरिश आपका बचपन ऐसे पिता के पास गुजरा हो जो आपकी चिंता ना करता हो, जो आपकी परवाह नहीं करता हो। परंतु बाइबल बताती है यदि हम पढ़ेंगे भजन संहिता 68 और उसका 5वां वचन वहां लिखा हुआ है, भजन संहिता 68 और उसका 5वां वचन, जी, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्याय है। हो सकता है जब आप पैदा हुए हो या 2-3, 5 साल के 10 साल के हुए हो, आपका पिता का साया इस दुनिया से चला गया हो, छीन लिया गया हो दुर्घटना में, बीमारी में या और कुछ बंधनों में वो चले गए हो, आप सोच रहे हो कौन है मेरा इस दुनिया में, वो अनंत काल का पिता, वो शांति का राजकुमार, अनाथों का पिता, विधवाओं का न्यायी परमेश्वर यीशु मसीह आज आपकी सहायता करेगा, वो आपके जिंदगी को सहारा देगा, आपके भविष्य को उज्जवल बनाएगा। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूंगा एक वैज्ञानिक का आपने नाम सुना होगा, उनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। आप सबने अगर पढ़ा होगा 9th-10th class में उनके बारे में, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के कानून उसने बनाए थे, नए नए नियम, थ्योरम्स, न्यूटन थ्योरम्स, न्यूटन लॉ, पूरी दुनिया के करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं। आपको मालूम है वो आइजैक न्यूटन जो बड़ा वैज्ञानिक बना, वो उसका बचपन कैसा बड़ा दर्दनाक था, बड़ा दुखदाई था। जब वो पैदा हुआ, जब वो 2 साल का था, उसके पापा बीमारी से गुजर गए, दुनिया छोड़ के चले गए, और उसकी माँ ने किसी और व्यक्ति के साथ शादी कर ली, और वो अपनी दादी के पास, दादी बूढ़ी 70 साल की, वो बोल रही है बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कमजोर हूँ, कोई मेरी परवाह करने वाला नहीं, मैं तेरी कैसी परवाह कर सकती हूँ। पर तू एक
बता रहे हैं प्रभु, तेरी जो जिंदगी को भविष्य को संवार देगी, उज्जवल बना देगी, सुनहरा बना देगी, वो है सुबह से उठकर तू खुद ने देख के एक काम किया कर। आइज़क, आइज़क न्यूटन मेरे पोते, तेरा पिता नहीं है, तेरी माँ तुझे छोड़ दी, परंतु सुबह जब भी तू उठे हर दिन अपने घुटनों में आया कर और प्रार्थना किया कर, यीशु आप मेरे पिता है, आप मेरे अनंत काल के पिता है, आप जीवित है, मुझे रोज की रोटी मुझे दे दे, ऐसा करके तू प्रार्थना किया कर। और मेरे प्रियो, उसकी दादी ने उसको मत्ती 7:7-11 परमेश्वर का वचन सिखाया, उसको बताया। अगर आपके पास बाइबल है जरूर आप खोल ले, ये अद्भुत अनोखा वचन मत्ती 7:7-11 वहां लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। तुम में से कौन ऐसा मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता क्यों ना देगा। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, आपका स्वर्गीय पिता भाई, हालेलुया, आपको आपके विश्वास के अनुसार प्रतिफल देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। मैं ये वचन देखता हूं भाई, भजन संहिता 24:5 प्रभु कहता, मेरे बेटे जिन्होंने मेरी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ, और तू ज्योति पाएगा, तेरा अंधकार यीशु जगत की ज्योति दूर करेगा। हालेलुया। आनंदित हो, तेरा यीशु योएल 2:21 के अनुसार बड़े बड़े काम तेरे लिए करेगा। हालेलुया। अनंत काल का पिता, हालेलुया, रोटी मांगने से पत्थर नहीं देगा, हालेलुया, अंडा मांगने से वो आपको, हालेलुया, सांप मछली मांगने से सांप नहीं देगा, अंडा मांगने से बिच्छू नहीं देगा। मेरे प्रियो, उस बालक आइज़क न्यूटन ने रोज प्रार्थना करना चालू किया, वो रोता था कोई सहारा नहीं, परंतु यीशु आप तो बेसहारों के सहारा है, मेरे भविष्य को मुझे बुद्धि ज्ञान दीजिए। कुलुसियों 2:3 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह में सारी बुद्धि और ज्ञान के खजाने छिपे हुए हैं। क्या आज मेरे जवान भाई, खरे भाई, क्या आप चमकना चाहते हैं? Do you want to shine? इंजीनियरिंग में प्रभु कहता है, मेरे बेटे, मैं इसहाक न्यूटन का परमेश्वर, मैं सुलेमान का परमेश्वर, मैंने उन्हें बुद्धि दी, मैं तुम्हें भी बुद्धि दूंगा। हालेलुया। बुद्धि और ज्ञान लेने, बाइबल बताती है नीति वचन 1:7 वहां लिखा हुआ है, प्रभु का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, the fear of the Lord is the beginning of wisdom। नीति वचन 9:10 में वहां पाया जाता है, प्रभु का भय मानना ज्ञान का आरंभ है, the fear of the Lord is the beginning of knowledge। हालेलुया। आज आपको आपका पिता, क्या आज मेरे छात्र, मेरे जवान भाई, क्या आज आप परेशान है असफलता से, कंपटीशन से, क्या आप निराशा की वादी में से होके जा रहे हैं? आपके लिए गुड न्यूज, ग्रेट न्यूज, शुभ संदेश, खुशखबरी, यीशु मसीह आपको बुद्धि ज्ञान देगा, आप कई चीजों का आविष्कार कर सकेंगे, नया टेक्नोलॉजी, नया मेथड, नया व्यापार का बिजनेस आइडिया आपको यीशु मसीह देने की सामर्थ्य रखता है, इच्छा रखता है, क्योंकि वो अच्छा पिता है। हालेलुया। जब पिता, ओ दुनिया का पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं दे सकता है, तो स्वर्गीय पिता, मेरे जवान भाई व्हाइट टी शर्ट पहने हुए, प्रभु कहता है, और जवान सिंहों को घटी होगी मेरे पीछे, होले, मैं तुझे हरी हरी चराइयों में ले चलूंगा, क्योंकि यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। हालेलुया। वो आज आपको अच्छी
भूमि में चराएगा। मेरे भाई मेरी बहन, क्या आज आप निराश है, दुखी है, अपने भविष्य के लिए चिंता में है, व्याकुल है, विचलित है, आपको डर लग रहा है दुनिया के सफर में संघर्षों से? याद रखिए, वो इसहाक न्यूटन का परमेश्वर, वो सुलेमान का परमेश्वर आपको बुद्धि ज्ञान से भरपूर करेगा, क्योंकि वो आपका अच्छा पिता है। हालेलुया, धन्यवाद दे यीशु का, हालेलुया। मेरे प्रियो भाइयों बहनों, कई बार होता है इस जीवन में रहते रहते हमें लगता है जो आवश्यकता की चीजें हैं, जो हम देखते हैं हमारे दोस्त, हमारे समाज वाले, हमारे रिश्तेदार, अरे उनको नौकरी मिल गई, उनको कार मिल गई, उन्होंने वो जमीन खरीद ली, उनकी शादी हो गई, और कई बार हम बेचैन हो जाते हैं। परंतु आज प्रभु यीशु कह रहा है, अगर हम पढ़ेंगे याकूब की किताब पहला अध्याय और उसका चौथा वचन, वहां बड़ा प्यारा सुंदर वचन है। याकूब किताब पहला अध्याय चौथा वचन, धीरज को पूरा काम करने दो मेरे प्रियो। कई बार होता है, अरे देखो ना, उसको नौकरी मिल गई, मैं भी उसके साथ पढ़ा था, मुझे नौकरी नहीं मिली, उसका व्यापार बढ़ गया, उसकी दुकान अच्छी चल रही है, ओ उसने ये जमीन ले ली, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, मैं देखो मेरा मांस अभी नहीं मिला। प्रभु कह रहा है धीरज रखो, इंतजार करो, डिलेज आर नॉट गॉड्स डिनायल, तेरी परमेश्वर का इनकार नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल इस बात से भरी हुई है कि जिन्होंने परमेश्वर पे ऊपर और विश्वास किया और उस पर धीरज धरा, उनको प्रतिफल मिला। अगर हम पढ़ेंगे इब्रानियों 10वां अध्याय और उसका 36वां वचन, इब्रानियों 10वां अध्याय और उसका 36वां वचन, वहां लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आमीन। तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। बाइबल में जो प्रतिज्ञाएं दी है वो मेरे और आपके लिए, यीशु की प्रतिज्ञा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु यीशु की प्रतिज्ञाएं नहीं टलेगी, बिकॉज जीसस क्राइस्ट इज द प्रोमिस कीपिंग गॉड, वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। क्या आज आप निराश है और अपना विश्वास खो चुके हैं? आज यीशु ये संदेश देके कह रहे हैं, मेरे जवान भाई, मेरी जवान बहन, निराश ना हो, विश्वास मत खो, मेरी ओर देखते रहो, क्योंकि धीरज और हालेलुया आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। बाइबल में अगर हम पढ़ेंगे अब्राहम के बारे में, 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और कहा, मैं तेरे वंश को बालू की रेत के समान बढ़ाने जा रहा हूँ, आकाश के तारों के समान बनाने जा रहा हूँ। वो विश्वास नहीं कर पाया, उसने सोचा होगा एक साल में हो जाएगा, दो साल में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कर दी है, परंतु कितने साल लग गए मालूम उसको? 2500 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसे हंसी का पुत्र दिया, द सन ऑफ लाफ्टर इसहाक दिया, और आज उसका वंश ऐसा बन गया है। अगर आप इसराइल में जाएंगे, वहां अब्राहम की कब्र में लाखों करोड़ों लोग उसको, अब्राहम को अपना पिता पुकारते हैं। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है वो पूरी करेगा। और मैं अपने जीवन के अनुभव से बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, मेरे मम्मी पापा की शादी हुई और मेरे पापा बड़े लड़के थे मेरे दादाजी के, और उसके बाद हमारी फूफी थी और उनकी जब शादी हुई वो छोटी थी, करीब 8-10 साल बाद उनकी जब शादी हुई तो मेरे दादा ने क्या किया, उनके लिए बेटी को ज़्यादा प्यार करते थे, उनके लिए अपना जो उनका बंगलो था बड़ा सा, वहाँ पर फार्म हाउस था, उसी के सामने उनके लिए घर बना के दे दिया, अच्छा पक्का मकान,
और मेरे मम्मी पापा कहाँ रह रहे हैं? बीएसपी के क्वार्टर में, उनका 3-4 कमरों का घर और हमारा बीएसपी का 2 कमरों का बंजर टाइप का क्वार्टर। ऐसा करके गुजरता गया, मगर बाइबल बताती है धीरज रखो, धीरज रखो, जो अन्याय, जो शोषण, जो धोखेबाजी आपके जीवन में, मेरे जीवन में होता, जो लोग करते हैं, याद रखिए परमेश्वर सच्चा न्यायी है। और हम लोग जब जाते किसी के बर्थडे में, त्योहार में, तो देखते अरे बाप रे इतना बड़ा गार्डन है, 2-3 बड़े बड़े कमरे हैं, और हम लोग बीएसपी के छोटे छोटे कमरों में रहते, छोटा सा गार्डन, परंतु साल बीतते गए, न्याय परमेश्वर है, वो देख रहा है। ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी को अचानक से एक ऐसा मौका मिला कि वो E3 गेट में थी, उनको उस ग्रेड में बड़ा क्वार्टर नहीं मिलता, उनको E7 E8 के जो एग्जीक्यूटिव के ग्रेड्स रहते हैं सेक्टर 10 में, स्ट्रीट 15 में एक क्वार्टर मिल गया, एक बड़ा भारी, बड़े बड़े कमरे बीएसपी के, बड़ा सा गार्डन, उसमें जामुन के पेड़, आम के पेड़, खूब ढेर सारे पेड़ के पेड़। और क्या हुआ मालूम, मेरी जो आंटी फूफी जो वहां रहती थी अपने पिता के घर में, उसके पापा और हमारा दादा दादी लोग उनके बच्चों को बड़े अच्छे से छुपन से ही, कोई नौकरी का ज्यादा जरूरत नहीं, वो उनकी परवाह करते, उनको नहलाते धुलाते करके। साल बीतते गए, उस समय अंडरब्रिज भी नहीं बना था, तो रे तो बीएसपी में वो काट करते थे, तो कितना उनको तकलीफ होती थी, नाका बंद हो जाए रेलवे क्रॉसिंग, तो घंटों खड़े रहना पड़ता था। परंतु हम प्रभु में संतुष्ट रहे, प्रभु आप देख रहे हैं, यीशु आप न्याय पर देख रहे। और क्या हुआ मैं बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, अगर हम पढ़ेंगे यशया की किताब 26 अध्याय, मैं जानता हूं पवित्र आत्मा मुझे ये कार्य कर रहा, ये बात, ये घटना बताने के लिए, कुछ भाई लोग मुझे मिलते बताते, ब्रदर आप जो घटनाएं बताते हैं, जो गवाहियां, जो जीवन का रियल एक्सपीरियंस बताते हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है, हम और सुनना चाहते हैं मेरे प्रियो। समय की कमी के कारण ज्यादा नहीं बता पाता, परंतु याद रखिए ये मैं बताना चाहूंगा, अगर हम यशया 26 और उसका 9वां वचन पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ, मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं, न्याय के काम प्रकट होंगे ताकि पृथ्वी के लोग धर्म के काम को सीख सके। हालेलुया, आपके जीवन में, आपके जीवन में मेरे भाई मेरी बहन प्रकट होगा। और क्या हुआ, साल बीतते गए, उनके बच्चे बड़े होने लगे और वो वहां के जो वातावरण था, माहौल वहां से बिगड़ने लगे, पढ़ाई में एकदम चौपट हो गए, एक कक्षा में 2-3 साल वो फेल हो जा रहे हैं, हमारा अच्छी पढ़ाई लिखाई डीपीएस में ये सब में पढ़ाई हो रही, और वो बेचारे प्राइवेट स्कूल में भी एक क्लासी में 2-3 बार फेल हो रहे हैं, और ऐसी स्थिति हो गई कि उनको वो घर जो उनके पिता ने, हमारे दादा ने बना के दिया था, बेचना पड़ा। आज वो वहां नहीं रहते, आज रिवर्स हो गया, आज मम्मी पापा ने बीएसपी में काम करके सेक्टर 10 में बड़े घर में रह के, उसके बाद वो प्रियदर्शनी परिसर नेहरू नगर के पास एक मकान बनाया अपना खुद का, उसमें बड़े बड़े कमरे ये सब रहे, और हम बीएसपी क्वार्टर से वहां शिफ्ट हो गए अपने घर में, और जो मेरी आंटी थी वो अपने घर से, बड़े बड़े जो कमरे थे, आजकल कहाँ रह रही है मालूम है, बीएसपी के क्वार्टर में रह रही है, वो भी किराए में। बाइबल में लिखा हुआ है गलतियों 6-7 अध्याय में, जो जैसा बोएगा वैसे ही काटेगा। मेरे भाई मेरी बहन, आपकी संपत्ति, आपकी जमीन, आपका खेत, आपकी दुकान किसी ने हड़प लिया हो, आपके रिश्तेदारों ने आपको धोखा दिया हो, कुछ भाई मुझे मिले थे कुछ हफ्ते पहले, वो बोल रहे थे मेरे परिवार वालों ने मेरे साथ अन्याय किया है, धोखे का मैं शिकार हुआ हूँ। मैं बताना चाहूंगा यीशु मसीह न्याय परमेश्वर है, धीरज रखे, उसका न्याय प्रकट होगा। हालेलुया, आज वो बीएसपी के क्वार्टर में छोटे कमरों में रह रहे हैं किराए में, परंतु न्याय परमेश्वर यीशु का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, क्या आज आप बेचैन है, विचलित है कि आपको आशीष नहीं मिल रही है? देखो मेरे मामा जी
कई बार मेरे पास बड़े दुखी करने वाले फोन कॉल्स आते हैं। एक भाई ने मुझे कॉल कर बताया कि वो 28 साल का नौजवान है और उसने शादी की, थोड़ी जल्दबाजी में शादी की और शादी करने के बाद पता चला वो बाइबल में जैसा लिखा हुआ है प्रभु का भय मानने वाली स्त्री से करना, तो उसने उस बात का ध्यान नहीं रखा और उसने अपनी ही शारीरिक अभिलाषाओं से भरकर शादी कर ली। शादी के बाद फोन करता, भैया पास्टर जी मेरा भविष्य बर्बाद हो गया, मेरी पत्नी जो है मुझे पता चला उसने मुझे धोखे से रख कर मुझसे शादी की और जब मेरी शादी हो गई मुझे पता चला वो गर्भवती है पहले से, वो आवारा है, मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी खराब हो गई। मेरे प्रियो इंतजार करे, हड़बड़ी ना करे, अगर आप हड़बड़ी करेंगे तो गड़बड़ी होगी। हालेलुया। कोई भी आपके पास लाए सामान, लाए कुछ ऑफर्स लाए, आजकल दुनिया में देखते हैं अखबारों में वो लालच दिया पैसा दुगना हो जाएगा, उन्होंने हड़बड़ी की और वहीं पर गड़बड़ी हो गई, पैसे डूब गए, पैसे निकल गए। सावधान मेरे भाइयों बहनों, मैं एक बड़ा सुंदर उदाहरण देना चाहूंगा। एक बार की बात है, आपने देखा होगा कुत्तों को, है ना, कुत्तों को और हाथियों को, तो मैं आपको एक चित्र दिखाने जा रहा हूँ, वो आप देख के आप बचा सकते हैं सीख आया हूँ क्या चीज है करके। आ जाए लिखा हुआ है ना, देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा, ये जो चित्र आप देख रहे हैं एक जो है हाथी का है और एक कुत्तों का है। एक एक मेरे पास क्षमा चाहूंगा, अगर प्रोजेक्ट वो कोई चलाने वाला अगर कंप्यूटर आता है आपको तो मेरे से संपर्क करें, मैं आपको अगर ज्यादा भी नहीं आता मैं आपको सिखा दूंगा, तो आप एंजॉय करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि कुवैत में जब मैं लोगों को ये सब वीडियो बताता था चित्रों के साथ बाइबल के उदाहरण दे देंगे अपनी कमाइयों से, तो कई साउथ के लोग हिंदी जो है इंग्लिश में बैठे रहते थे, तमिल मलयाली लोग इधर उधर होते रहे और बोलते थे ब्रदर हम आपके मैसेजेस को नोट करके आप कौन सा वीडियो दिखाते, वहाँ तो मीडिया टीम रहती थी उनको दे देते थे हम चित्र, तो वो लोग दिखाते थे, तो वो बोलते थे ब्रदर हम अपने परिवार में अपने भाई को पत्नी को बता रहे हैं, और इंडिया में जब वो प्रचार करने जाते हैं ना तो आपने जो मैसेज दिया था, आपने जो उदाहरण दिया था, आपने जो वीडियो दिखाया था, चित्र दिखाया था, वो ही दिखाते हैं। मुझे बड़ा ताजुब लगा, कहा मैं छत्तीसगढ़ का, साउथ इंडिया में तो आंध्रा तमिलनाडु केरल के बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रचारक है, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड जो यीशु देता है सर्वोत्तम देता है। आप सोच रहे हो कम है और कमजोर है, परंतु बाइबल बताती है उसने निर्बलों को चुन लिया। तो मेरे प्रियो आपने देखा ये हाथी को और कुत्तों को, है ना, तो एक बार की बात है कुत्ते और हाथियों के बीच में वार्तालाप हुआ, कुत्ते लोग बोलने लगे अरे हम अपने बच्चों को हर 2 महीने में पैदा करते हैं, कितने महीने में, 2 महीने में, 60 दिन में बच्चे जो है कुत्ते के पैदा हो जाते हैं, और हाथी चुप हो गया। वो कुत्ते लोग उसको चिढ़ाने लगे, अरे तुम तो 1 साल हो गया कुछ भी एक भी बच्चा नहीं है तुम्हारा, हमारे देखो हर 2 महीने में 4-5 बच्चे होते हैं, कुत्ते के बच्चे बड़े प्यारे रहते हैं ना, आपने देखा 4-5 बच्चे होते हैं, हमारे घर में भी कुछ सालों पहले वो बच्चे थे, 4-5 बच्चे होते थे हर 2 महीने में, तो हाथी को वो चिढ़ाने लगे, अरे देखो हर 2 महीने में हमारा बच्चा होता, तुम तो 5 हो, कोई बच्चा नहीं, क्या आदमी हो तुम, क्या हाथी हो। हाथी चुप रहा, धीरज बाइबल जैसे बताती है इंतजार करो, देर मतलब लेट मतलब लेटेस्ट ब्लेसिंग, है ना, लेट मींस लेटेस्ट ब्लेसिंग, जैसे रुके रहेंगे तो हम जब लैपटॉप जब खरीद रहे थे तो रुके रहे, उस समय वो इनबिल्ड वो उसमें कैमरा नहीं लगा रहता था, स्पीकर नहीं लगा रहता था, अलग से लगाना पड़ता था, परंतु कुछ साल रुके रहने के बाद आजकल सभी लैपटॉप में कंप्यूटर में इनबिल्ड टेक्नोलॉजी आ गई, कैमरा और वो जो अपना स्पीकर है अनबिल्ड रहता है। वैसे ही अगर आपके जीवनों में जो आप आशीष है, जो वो चमत्कार चाह रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं, मेरे भाई मेरी बहन आज यीशु कह रहा है इस फादर्स डे में मैं अच्छा पिता हूँ, इंतजार करो मैं तुम्हें रोटी जरूर दूंगा, पत्थर नहीं दूंगा,
मेरे प्रयोग हाथी और कुत्ते वार विवाद करने लगे, हाथी चुप रहा। परंतु जानते हैं, दो साल बीतने के बाद हाथी ने एक अपने बच्चे को जन्म दिया और एक इकलौता हाथी निकला उसके पेट में से। हाथी का इकलौता एक ही बच्चा पैदा होता है, और जब वो पैदा हुआ, जब बड़ा हुआ, सब हाथी को देख के रोड में सड़क पे सब लोग हट जाते, सलाम करते, सारे कुत्ते लोग दूर हट जाते। इंतजार करें, विचलित ना हो। देखो उसको नौकरी मिल गई, उसकी शादी हो गई, उसको संपत्ति मिल गई, उसको घर मिल गया, उसने कार ले ली, उसने गाड़ी ले ली, मेरे पास तो अभी कोई है। मेरे प्रियो, कुवैत में मैं जब नौकरी करता था, वहां पर मुझे किराए का एक रूम मैं वहां रहता था, और अचानक से मेरी एक अच्छी कंपनी में मेरे को नौकरी मिल गई 100 किलोमीटर दूर में। तो मुझे हर रोज आना जाना करना पड़ता, मैं रोज एडवर्टाइजमेंट देखता था कहाँ कोई मकान बेच रहा है, किराए में ले रहा है, तो मैं उसको ले लूं अपनी कंपनी के, नई कंपनी के पास में। तो जब एक बार की बात है, मुझे कुछ ऑफर्स आए, एडवर्टाइजमेंट आया, मैंने फोन किया तो उन्होंने बोला कि हाँ आ जाइए करके, और जब मैं गया तो वो बिक चुका था। मैं बड़ा निराश हुआ, अरे प्रभु जी, मैं नौकरी करने के बाद शाम को 5 बजे 5:30 बजे जब घर गया तो वो घर तो बिक गया था, किसी और को उन्होंने किराए में दे दिया था, मेरे हाथ से चला गया। ऐसा 2 दिन बाद हुआ, मैं निराश हुआ, परंतु प्रार्थना करता रहा और प्रभु का मैंने महसूस किया, बेटा इंतजार कर, मैंने तेरे लिए बेस्ट रखा, बेहतरीन आशीष रखी है, बेहतरीन मकान रखा है, तू निराश ना हो। और एक बार की बात है, एक मकान देखने को गया, वो बड़ा अच्छा लगा, ग्राउंड फ्लोर में था और बड़ा बड़ा उसमें वॉशिंग मशीन सब फर्निस था, सोफा सेट, बिस्तर, टीवी सब। और पैसा जब उसने बताया तो कई ज्यादा गुना जितना मेरा सैलरी था उतना बराबर। मैं बोला अरे बाप रे, ये तो मेरे बजट के बाहर है, मैं चाहता था अरे मिल जाए ग्राउंड फ्लोर में, अच्छा है अच्छा है, दुनिया के लोग बोल रहे हैं अच्छा है अच्छा, ले लो। यीशु कह रहे हैं इंतजार कर बेटा, अच्छा रखा है। और क्या हुआ, 6-7 महीना मैंने इंतजार किया, 100 किलोमीटर गाड़ी में कार में आना जाना करता, और एक दिन की बात है एक एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा, और जब मैं देखने गया मुझे अच्छा लगा, और पैसे भी जो किराया था बड़ा कम था, रीजनेबल था, तो मैंने उसे ले लिया। और जानते हैं वो घर सामने में वॉकिंग ट्रैक था, कोई आमने सामने कोई बिल्डिंग में नहीं है, जो मैं पहले लेना चाह रहा था, जो मैं चाह रहा था, प्रार्थना कर रहा था प्रभु ये अच्छा क्वार्टर मुझे दिख रहा है, लूत के समान। बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे अब्राहम और लूत के बारे में, लूत ने हरी हरी चराइयों को देखा और उसने लालच कर दिया और वो उसके नाश होने का कारण बनी, परंतु अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास रखा, मरुस्थल भूमि पर उसने आशीषों को पाया। वैसा ही हुआ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने मुझे ऐसा मकान दिया, लोकेशन में दिया, वॉकिंग ट्रैक, वहां कुवैत में ज्यादा पेड़ पौधे नहीं है, परंतु वहां पर पेड़ पौधे आप वॉकिंग कर सकते हैं, सामने में कोई बिल्डिंग नहीं है, ताकि आप जब खिड़की खोलेंगे सामने में आपको समुद्र दिखाई देगा। हालेलुया, सी ओ कॉर्नर में ऐसा मकान प्रभु ने दिला दिया। मेरे प्रियो, आज की सुबह यीशु आपसे प्रतिज्ञा कर रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुम्हारा अच्छा पिता हूँ। क्या हम सब खड़े हो जाएं? ओ हालेलुया, प्रभु कहता है मेरे बेटो, हालेलुया। नीति वचन 28:20 के अनुसार विश्वास योग्य मनुष्य पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, हालेलुया, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है, हालेलुया, उसमें निर्धनता आ जाती है। मेरे प्रियो, हालेलुया, हाँ प्रियो, जो धनी होने में उतावली करता है वो निर्दोष नहीं ठहरेगा। मेरे प्रियो, नीति वचन 23:18 में लिखा हुआ है, अंत में तुम्हारी आशा को यीशु मसीह तुम्हारा अच्छा पिता पूरी करेगा। आज मांग ले, पिता मुझे नौकरी चाहिए, मैं जानता हूँ आप मेरे स्वर्गीय पिता,
आप मुझे रोटी के बदले पत्थर नहीं देंगे, मछली के बदले सांप नहीं देंगे, यीशु आपको अच्छा अद्भुत आशीष देगा। देर हो रही हो परंतु अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। और मेरे भाई मेरी बहन, आपके जीवन में उजियाला यीशु लाएगा। वो आपका पिता आपको दुनिया में प्यार नहीं मिला, परंतु यीशु कहता मेरी बेटी मैं तुझसे प्यार करने वाला परमेश्वर, मैंने तेरे लिए क्रूस पर जान दी, मैंने तेरे लिए खून की आखिरी बूंद बहा दी, तू मेरी बेटी है। और मैं एक वचन देखता हूँ यशया 62 और उसका 30 वचन, प्रभु कहता है तू मेरे हाथों में राज मुकुट खेलेगी। हालेलुया, तू मेरे हाथों में शोभायमान मुकुट और मेरी हथेलियों में राज मुकुट खेलेगी। मैं उन्हीं के बीच में जो तुझे नीचा समझते तुझ समझते हैं ऊंचा उठाऊंगा। हालेलुया, ओ आपका अच्छा पिता, आपका स्वर्गीय पिता, आपका अनंत काल पिता, हमेशा जो जीवित है अनादि काल से अनंत काल तक। हालेलुया, आपके भविष्य को आपकी जिंदगी के जो भी उलझन है भाई, तो कहता है सीधा मार्ग देख पाएगा। जा मेरे बेटे, ये वचन को अपनी प्रतिज्ञा में वचन रूप से ग्रहण कर ले। यशया 40:4 ऊपर खबर रास्ते सीधे हो जाएंगे, और जवान यूसुफ के समान कब्जे में से शेर में से उठाने वाला तेरा परमेश्वर हरी चढ़ाई चढ़ाएगा। और तुम कहता बेटा विश्वास ईमानदार रहे तो इनाम पाएगा, ईमानदार बना रहे तो तू मेरे इनाम को पाएगा इस दुनिया में, ये यीशु का वादा है। हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस, ओ हालेलुया। मैं एक वचन देखा था, हालेलुया 3:20 तो वो कहता तेरे सोचने समझने ओ विचार करने मानने से बढ़कर तेरा परमेश्वर तेरे लिए काम करने में
धन्यवाद यीशु, प्रेमी यीशु, अद्भुत यीशु, सामर्थी यीशु, बेसहारों का सहारा, आशाविहीन लोगों का आशा यीशु, आज आपके भविष्य को वो उस पर बना रहा है, वो कह रहा है मेरे बेटे मेरी बेटी इंतजार कर, जो आ रहा है, जो आशीष मैंने तेरे लिए रखी है वो बेस्ट है, दी बेस्ट है, बिगर बेलर बेटर एंड द बेस्ट ब्लेसिंग्स आर कमिंग अपॉन यू. थैंक यू जीसस. धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. ओ यीशु के सामर्थ्य चमत्कारी चंगाई भरे असंभव को संभव करने वाले नाम में मानते हैं. आमीन, आमीन. आइए हम सब बैठ जाएं. हालेलुया.